पूजा, आज ना रोक मुझे, तुझे मेरे कसम है पूजा, पूजा नहीं। माता मारी बोला अरे भगवान जी सब शादी के बाद तीन महीने में आज तीसरी चौथी बार आ रही है। शादी से पहले तो हर हफ्ते में दो दो बारी। परी का है? नहीं चाची का है। क्या क्या बोलते हैं क्या बता नहीं सकता, बस दीदी आई है भूल गए दोस्तों को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस इनकी शुरुआत हो चुकी है, एज यूजुअल जल्दी मैं अब जा रही हूँ नीचे, फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। होपफुली आज तो मन्नू खा ही ले लंच खाई ब्रेकफास्ट। आप लोगों के भी मतलब वो तीन चार लोगों के तो ऐसे कमेंट्स आ रहे थे हमें बहुत बुरा लगता है मन्नू ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, तो आज मेरा पूरा पूरा ट्राई है कि वो ब्रेकफास्ट करके ही जाए। फिलहाल तो मैं जल्दी से जाती हूँ नीचे। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। मम्मी अब ठीक है आपकी तबीयत कल से? हाँ ठीक है। कल तो बहुत चक्कर आ रहे थे भैया आपको, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। पहले भी चार पाँच दिन पहले ऐसे हुआ, मेरा सिर घूम गया और मेरी आंखें भी ऐसे घूम गई। कल मैं यहाँ तक आई हूँ नीचे से, यहाँ तक मेरा सिर घूम रहा है ऐसे, और मैं अभी गिर में पड़ जाकर बेड पे लेट गई। ये भी आपका देखें बीपी दो तीन दिन लगातार चेक करवाते हैं फिर पता चलेगा कि बीपी तो नहीं हो रहा। 10-15 मिनट लेट ही रही, लेट ही रही। फिर मैं उठी, मैंने दो तीन बादाम खाए और थोड़ी चीनी ली, थोड़ा सा नमक लिया, फिर जाके मैं नॉर्मल हुई। हुई ना, पता नहीं चलता। ये मेरे को पहले कभी नहीं हुआ, ये दो बार ही हुआ है ये। हाँ ये लास्ट टाइम हुआ था, अभी कल हो गया। कल हो गया। चलते तो भाई ठीक रहनी चाहिए। वो तो है ही, तबीयत शरीर ठीक है तो सब ठीक है भाई। हाँ। मैं कह रही तो पैर में क्या बना है? क्या बना है? मैं तो कल आलू मटर का भाभी को बोल रही थी, तो भाभी कह रहे थे आलू मटर रहने देते हैं, मटर तो बहुत पड़े हुए फ्रिज में। आज आलू मटर बनाते हैं, बना देते हैं, काफी दिन से तो बने भी नहीं है। और जो सब्जी नहीं है चल मेरे साथ नीचे से ले आते हैं। भाई सब्जी वाला आई नहीं रहा दो दिन से, कोई थोड़ा पीछे है उधर। खीरा भी ले आते हैं, प्याज भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, और एक आधी सब्जी देखते हैं और जो लेना है ले आते हैं। चलो ले लेते हैं। चलो चलो छोलिया ले रहे मम्मी। हाँ। ये बताए खाने के लिए बनाने के ये हम मैं अपने स्कूल टाइम पे बहुत खाते थे, बस लेट आती थी मैं, मेरे फ्रेंड्स ना वहाँ से ले लेते थे, हम लोग इसी से टाइम पास करते थे खाते खाते, मजा आता है। हाँ चलो आ गया हमारा छोरी अभी। मम्मी बीपी आपका देख लो कम आया है, 110 और 53 आ रहा है, कम है, 70 होना चाहिए ना भैया, 70 या 120 80 80 होना चाहिए। हाँ 53 है आपका बीपी, कम है। भैया से पूछते हैं, वे एक बार डॉक्टर को भी दिखवा लो आप ना। अभी बस आलू मटर की सब्जी बनाई है, तो मैंने थोड़ी सी सब्जी लिया, मैंने कहा टेस्ट करती हूँ। वैसे भी मेरे आलू मटर बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मम्मी यहाँ पे छोलिया छिल रहे थे, परू अभी मुझे देख रही थी, जैसे ही मैंने इसको परी आवाज़ मारी है उधर मुँह कर लिया, तभी इसका कुछ है, मेरे को देख देना शर्मा जाती है, खेलेगी पूरा पर बात नहीं करती, पता नहीं देखो कब ये थोड़ी अभी बड़ी होगी तो इसको थोड़ी अब पड़ी जाएगी मेरी आदत। चलो तब तक मैं सब्जी अपनी टेस्ट करती हूँ। जी आज कहाँ चलती सवारी? अरे वो झंडा मंदिर जाना था ना। अच्छा पहले मंगलवार को था, वो मम्मी चली मासी घर। हाँ तो फिर अब मैंने कहा मम्मी अब आया तो हुआ, फिर मन्ना तो उतार दी थी, उतार आते हैं। अच्छा अच्छा तो वहाँ जा रहे हो क्या? फिर प्रसाद ही चढ़ा, वो मतलब वो चढ़ा देना ना, हमारे भी नाम का चढ़ा दो। चलो मम्मी हाथ लगा दो, ये लो मुझे उनके उसमें डाल देना, प्रसाद चढ़ाने देते नहीं पर वही तो प्रसाद चढ़ाने देते आप, लेके जा रहे हैं तो गरीबों को बांट देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो ठीक, ओके बाय बाय। ओके आ गए, आ गया आलू मटर की सब्जी, दिखाओ गरम करने ठीक है बड़ी देर भूख लगी है। और आज लाई हूँ मैं आपके लिए भिंडी, लाई हूँ कुरकुरी भिंडी कह रहे थे ना। हाँ। और उसके साथ आज मैं लाई थोड़ा सा कद्दू लाई हूँ। अच्छा कद्दू आप मेरे को पता खाते नहीं हो, पर हम इसलिए ना 250 ग्राम ही लेकर आए हैं। अच्छा आऊंगी पर टेस्ट कर लेना। खा लिया मैं ना, हो गया ना, ये मम्मी की दीदी, मम्मी ना नीचे ही है ना, मम्मी को देते जाओ ठीक है। चलो मिलते हैं, आते हो मंगलसूत्र ले आओगे? मंगलसूत्र अभी ले आता हूं मैं, एक बार देखती हूं मेरा चक्कर लगा तो मैं ले आती हूं ठीक है। और वो तो बताया नहीं, वो एक पांडव जी का मैसेज आया हुआ था। हाँ कहते कि शॉप पे जल्दी जाते हैं,
समथिंग फिशी, समथिंग फिशी। हाँ बहुत कुछ फिशी है, पैसा है, पैसा कमाना पड़ता है भाई, सुबह जाना पड़ता है। हाँ ब्रेकफास्ट, अब कभी कभार क्या होता है कि जल्दबाजी में होते हैं, ब्रेकफास्ट करके जाता हूँ, दिखा नहीं पाते। तो पांडू जी ऐसे कमेंट ना करिए प्लीज, देख लीजिए प्यार है हमारा आपसे, मगर ऐसे कमेंट मत करो प्लीज, अच्छा नहीं लगता, दिल पे लगती है सीधी बात। हाँ कई बातें लग जाती है, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी स्टिल आई लव यू है, मगर फिर भी पांडू जी ऐसे नहीं, समथिंग फिशी कुछ नहीं है। हाँ। मेरी बीवी को सब पता होता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। चलो ये भी किसी कानून से कम नहीं है मेरी भाई, तुम तो जानते नहीं कानून से ऊपर आते हैं, इतने लंबे आते हैं, इतने लंबे आते पकड़ लेती है बीवी। तो कोई समथिंग फिशी कुछ नहीं है पांडू जी, तो प्लीज ऐसे कमेंट ना करिए। चलो ठीक है, मिलते हैं रात में, ठीक, कुरकुरी भिंडी के साथ, ओके चलो बाय। सो गाइज, अभी ना ये जो न्यू जीन्स लाई थी, टोन वाली जीन्स है जो नीस से ऐसे टोन में है, तो अभी मैंने ना ट्राई करी थी, अभी टैग्स लगे हुए हैं, तो मैंने कहा एक बार ना मम्मी को दिखाया थी, मम्मी बोल रहे थे, मैंने कहा एक बार मम्मी को दिखाया थी, तो मम्मी को ठीक लगती है तो ठीक है, एल्स फिर चेंज करवाया होंगी ये टोन वाली जीन्स। अब देखती हूँ नीचे जाके, मम्मी नीचे ही है, मम्मी को एक बार दिखाया थी। गाइस मैं हुई हूँ रेडी अभी, तो मैं हुई हूँ रेडी जाने के लिए मन्नू की शॉप पे, कि मन्नू काफ़ी दिन से बोल रहे थे शॉप पे आ जाओ, शॉप पे आ जाओ, बट आई जा ही नहीं पाई थी, तो मैंने कहा चलो आज चली जाती हूँ, आज टाइम से भी फ्री हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, मैंने कहा आज चली जाती हूँ। और क्या कहते हैं, जीन्स का अपडेट ये है गाइस, जीन्स मैंने चेंज कर लिया, तो मैंने अभी अपनी ब्लू वाली ही जीन्स पहनी है। हुआ क्या कि एक्चुअली मम्मी को तो ऑब्वियसली फटी हुई जीन्स पसंद ही नहीं थे, मम्मी ने तो पहले ही बोल दिया था, बट जब वो ना नीज से फटी हुई थी, तो जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी ना, तो नीज हमें ऐसे बेंड करनी पड़ती है, तो मुझे उस पर दिक्कत आ रही थी, वो धागे धागे से ना उस पर अटक रहे थे, तो मैंने कहा ये तो 4-5 बार में फट जानी है, उसके बाद फटने के बाद फिर बेकार ही है, तो इससे अच्छा अभी न्यू है तो चेंज करवाया जाती हूँ। एंड गाइज लिपस्टिक के लिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने एक बहुत टाइम, मैंने गोवा वाले ब्लॉग्स में मैंने ये लिपस्टिक का दिखाया था कि ये वाली लिपस्टिक्स है, ये बेक ब्यूटी की लिपस्टिक्स है, 11 पैक है, तो अभी ये वाली लिपस्टिक मैंने अभी इसमें से लगा रखी है, तो इसके अंदर 11 लिपस्टिक्स है, छोटी छोटी सी, ये देखिए मिनी लिपस्टिक्स है, अभी ये ऑफर में चल रही है, सो ये इतनी है लिपस्टिक, ये देखिए साइज इसका इतना है, तो ये अभी ऑफर में चल रही है, ऑफर में अभी ये 399 रुपीज में आपको 11 मिल रही है, सो ये 3-4 डेज के लिए ही सेल वैलिड है, तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं कर रखा जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एड टू कार्ट करनी है, 399 रुपीज में आपके घर ये लिपस्टिक आ जाएगी, COD है, तो आप इस लिपस्टिक को मंगवा लीजिए, विटामिन ई है, होहोबा ऑयल है, प्लस ये लिपस्टिक एकदम मतलब जितना मर्जी कुछ खा लो ये इसका स्टे रहता है, लॉन्ग लास्टिंग है, लिप्स पे ड्राई नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कंफर्टेबल है, मैंने जो भी शेड लगा रखा है थिंक पिंक लगा रखा है, बहुत प्यारा शेड है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, तो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ नीचे चाय बनाती हूँ मम्मी के लिए, और फिर मन्नू आ जाएंगे लेने के लिए। मम्मी और छोटू की चाय भी बन गई है, तो छोटू ने कहा कि ये मैंने बाय बाय नूडल्स दी थी उसने, तो मैंने वो बना दिए, और मम्मी ये मटर शौक से खाती, तो मैंने मम्मी के लिए मटर भेज दिए, अभी बस छोटू आएगा ले जाएगा। आगे भाभी कैसा राज, बढ़िया एकदम, परी नीचे है, परी नीचे है ना, वो सामान लिया शिकार का सामान लिया चली गई है, तो उन्होंने चलाने दी, मम्मी को आके बैठने का मूड इतना खराब हुआ, माँ इतनी दूर से गई थी, दर्शन कर रहा कर रहे हैं, जाओ जाओ आगे चला चलो चलो, अरे भी नहीं ठीक से वो है, जल्दी जल्दी में करवाते हैं, पूजा के लिए अपने लिए वो लाई कैंडल माता, वाह वाह वाह, मम्मी वैसे तो बोल भी रहे थे, पर मम्मी को थोड़ी बड़ी वाली चाहिए थी, पर चलो अभी छोटे छोटे वाले स्वरूप भी आ गए, हाँ ये छोटा स्वरूप आ गया, हाँ बड़ी वाली, अच्छा वाह, जय माता दी, अरे जय माता हमारी, अरे भगवान वाह, चलो अच्छी बात है, अब गए हो लागे ले आए हो आप, जय माता दी, हाँ मम्मी अब एक इधर के लिए भी मंदिर बड़े वाला लाते, एक छोटे वाला ऊपर के लिए लाना है, लेके अब ऐसे ना बस मौसम सही हो गया, हाँ देख आएंगे, हाँ ले आएंगे,
ओके नहीं अच्छी है, चलो अच्छी बात है, बुलाए प्यारे। सो मम्मी वो ना मन्नू का फोन आ गया, ठीक है मैं जा रही हूँ। चलो भाभी ठीक है, मिलते हैं रात में। शॉप पे आ गई हूँ, मन्नू जी मुझे लेने आ गए थे। भाभी कैसे हो? कस्टमर थे तो चलो अच्छी बात है, कस्टमर टच हो जाने के बाद 3 महीने में आज तीसरी चौथी बार आ रही है। शादी से पहले तो हर हफ्ते में दो दो बारी तो मिलने का बहाना सही होता था ना। गाइस कमेंट करके बताना कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। 3 महीने में तीसरी बारी आई है बस। अब से आऊंगी, डांट लगाओ जरा, समझाओ आना चाहिए। अब से तो आऊंगी आऊंगी। आती खातेदारी में लग गए। वाह पहली ऑर्डर दे दिया मैंने तो। वाह वाह क्या मंगवाया मुझे बता देते, घर से कुछ ले आती मैं। कोई बात नहीं है, भूख लग रही थी मैं का थोड़ा सा। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। क्या मंगवाया? मंगाया है नूडल्स, दिख गए सिंगापुरी नूडल्स। ओके चलो जी खाते हैं। कहाँ गए? आज हो दस तो बच ही गए। चलते हैं, ठंड हो रही है ना। अच्छा पहले तो मैं कॉटन सूट पहन रही थी, फिर मैंने कहा नहीं बाहर ठंड है, घर में कम लगती है, बाहर ठंड है। घर में ठंड अभी है, अभी अभी तो बाहर तो है ठंड। हाँ चलते घर को। चलो जा रहे हो ना? पूछा आज ना रोक मुझे, मैं तुझे मेरे कसम में पूजा पूजा नहीं ये आज... अरे ये फिल्मी खान से एकदम भूत आ गया। आज मेरे दोस्त यार बुला रहे हैं, आज जाने दो प्लीज। जा जी ले अपनी जिंदगी, पक्की बात है। जा जा ओके फिर भाई। जा रहे हो जल्दी आ जाओगे ना? अब आ रहा हूँ, एक घंटे में आ रहा हूँ। ठीक है ओके जी, जल्दी आ जाओ। टाइम ठीक है जी, मिलते हैं। क्या बोलते हैं क्या बताऊं गाइस, क्या क्या बोलते हैं क्या बता नहीं सकता। बस दीदी आई है भूल गए दोस्तों को, कोई नहीं चलो बीवी का भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो मैं ठीक है जल्दी ओके बाय बाय प्लीज अरे जाओ बाय बाय। मम्मी अब किसका स्वेटर बन रहा है? परी का। बताओ परी के मजे है। परी का बन रहा है? है पुरु किसका बन रहा है? परी का। ये तो चाची का है। अब परी का है? नहीं चाची का है। कितनी तेज आवाज आई है अभी, वैसे नहीं बोलेगी मेरे आगे। चाची का नहीं है, परी का है। नहीं मैं लूंगी अब तो। ये पुपू का है? नहीं परी का है। पुपू का ठीक है, फिर परी का ले लेते हैं। ठीक है परी का बना दे। ठीक है फ्लाइंग किस तो कर दो फिर, चाची ने स्वेटर छोड़ दिया, फ्लाइंग किस तो कर दो। बताओ नहीं इसका स्वेटर में देखो कितना ध्यान है आपको, कितना ध्यान से देख लिया है सब पता चलता है। अरे ये तो दादू को डराने का आइडिया था। परी दादू आने वाले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चुप जाओ। ये बाहर पहुंच गई बहू करने के लिए। ओए बलून, ये बाहर पहुंच गई बहू करने के लिए आई। बस बढ़िया बताओ। अब किसको बहू करोगे, डैडी को? हाँ बहू। तो अभी बस डिनर कर रहे हैं, आलू मटर दोपहर वाले अभी थोड़े से बचे हुए थे, और अभी भाभी ने बनाई थी वाली दाल, पीली लाल पीली दाल साथ में रोटी। बस अब डिनर कर रहे हैं। मैं परू खाने दाल खा लो नहीं ठीक है। हाँ जी भाभी अच्छा गए थे आप मंदिर फिर यहाँ पे? यहाँ पे मम्मी यहाँ चली गई थी ना। ओके अरे मेरे मम्मी आ रहे थे मैम। मैंने मम्मी का मेरे का रसगुल्ले भी ले आए थे, और तुम वो श्रृंगार का सामान भी चढ़ाए थे। सही कह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ। गाइस को बताएंगे तब
ठीक है चलो डन ओके तो गाइस मनु तो आ गए थे थोड़ा सा लेट हो गए थे तो मैं थोड़ा नाराज थी उनसे मैंने कहा जब चले गए बट कोई नहीं कभी कभार गए हैं फ्रेंड्स के साथ हम कहीं भी लेट थे लोगों मैंने कहा चलो इट्स ओके अब क्या नाराज की तो डिनर करके सो ही गए थके हुए थे बस मैं भी अभी जाती हूँ सोने के लिए बस अभी ये वाला ब्लॉग एडिट करती हूँ एंड उसके बाद सो जाती हूँ सो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे हैं जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये अभी ना मैं कॉमेंट रीड कर रही थी तो एक को कॉमेंट आ रखा था हेमंत उनका नेम था उन्होंने कॉमेंट कर रखा था कि ये झूठ बोलती है ये नॉनवेज खाती है तभी तो इसे सेम बर्तन यूज़ करते हुए दिक्कत नहीं होती सो मैं नॉनवेज तो नहीं खाती बट येस मुझे कोई दिक्कत नहीं होती सेम बर्तन में भी बिकॉज मतलब अब क्या है सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है खाना तो जो भी खा रहे हैं तो मैं मतलब किसी को ऐसे मना नहीं करती ना ही मुझे ऐसी कोई दिक्कत होती है तो ठीक है मतलब मैं ओके हूँ तो इसलिए बट ये नहीं कि मैं ओके हूँ तो मैं खा ही रही हूँ ऐसा कुछ नहीं बट यस मुझे मतलब सच नफरत भी नहीं है कि नहीं मैं कोई मेरे साथ में खा रहा है कुछ कर रहा है तो मैं उससे मतलब दूर हो जाऊँगी कुछ ऐसे परहेज नहीं है बट यस मुझे अपना खाना पसंद नहीं है बस अपनी बाई चॉइस मैंने छोड़ रखा है खाना तो बस ये वाला ब्लॉग करती है पे मिलते हैं हम कल वाले ब्लॉग में कल वैसे भी महाशिवरात्रि कल सुबह जल्दी उठना है और कल मेरा फास्ट भी है शिवरात्रि का मैंने फास्ट रखना ही है तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में तब तक के लिए गुड नाइट टेक केयर बाय बाय।